हम हैं रेड नेटवर्क, हम करते हैं जन की बात। कौन है और ये हमारे संजय केवट जी हैं जो दक्षिणी बिहार से आते हैं और पूर्व प्रत्याशी लोकसभा काराकाट के पूर्व प्रत्याशी बसपा के पूर्व प्रत्याशी हैं और काफ़ी उस जिला में 10-12 जिला में काफ़ी प्रभाव रखते हैं और जनता दल यूनाइटेड के वरीय पदाधिकारी भी हैं। आज हमारे VIP पार्टी विकासशील इंसान पार्टी के साथ आस्था विश्वास जताते हुए आज पार्टी का सदस्यता ग्रहण किए हैं और इससे हमारे पार्टी को बहुत मजबूती प्रदान करेगा और काफ़ी मजबूत संजय केवट जी हैं जो हम पार्टी के निरंतर लगातार आने बढ़ाने के लिए काम लगातार करते रहेंगे और इसके लिए इनके सैकड़ों समर्थक साथ में आए हैं। विभिन्न विभिन्न अलग अलग जिला से कैमूर बक्सर सासाराम तरह अलग अलग जिला से काफ़ी सारे पदाधिकारी आए हैं और सबको स्वागत है आज VIP पार्टी में और मुझे आशा और विश्वास है कि ये पार्टी को संजय केवट जी बहुत ही आगे बढ़ाएंगे और दक्षिण बिहार में काफ़ी बड़ा पकड़ है और बसपा के एक जोनल हेड थे जो पूर्व लोकसभा प्रत्याशी उसमें काफ़ी बड़े पैमाने पे बड़े संख्या में 86,000 वोट लाए थे और मजबूत नेता है खास करके केवट समाज में से। दूसरा सवाल है महागठबंधन के सीट शेयरिंग को लेकर जो अभी तक कोई बहुत जल्दी 15 तारीख से पहले प्रोसीजर सारे क्लियर हो चुका है। आज ही या कल मीटिंग होने वाला था लेकिन तेजस्वी जी को तबीयत खराब रहने के कारण 1-2 दिन के अंदर में निश्चित तौर पे बैठ के हम लोग क्लियर कर लेंगे। सीट का क्वांटिटी क्लियर हो चुका है, सिर्फ कौन सा जगह पे किनको लड़ना है वो 2-3 दिन के अंदर में क्लियर हो जाएगा। 15 तारीख से पहले आप लोगों के बीच में आ जाएगा। दरभंगा से चुनाव लड़ने वाले हैं आप? हमारी पार्टी लड़ेगा चुनाव बिहार में कई ऐसे लोकसभा क्षेत्र में और वो आप लोगों के बीच में समक्ष हम लोग बैठ के एक साथ में निर्णय ले लेंगे कौन सा लोकसभा क्षेत्र पे कौन सा पार्टी लड़ेगा। वो एक साथ में हम लोग महागठबंधन सारे नेता बैठेंगे तो उसका जवाब आप लोगों को दे देंगे। VIP पार्टी कितने सीटों पे तैयारी? अच्छा सीट पे VIP पार्टी चुनाव लड़ रही है, बहुत बढ़िया संख्या रहेगा जो आप लोगों को पता चलेगा उस समय में ऐसा आप लोगों को चौंकाने वाला लगेगा कि इतना अच्छा सीट है। कितना जो भी होगा लेकिन अच्छा सीट होगा। मुकेश सिंह काफी तैयारी पहले से कर रहे हैं मगर कभी चुनाव में नहीं गए इस बार? जी हाँ, इस बार हमारे पार्टी की ओर से इस बार मैं चुनाव मैदान में खुद उतरूंगा और आने वाले समय में लड़ाई लड़ूंगा और चुनाव बिहार में 40 लोकसभा सीट है, कहीं से भी चुनाव लड़ूंगा और जीत के दिल्ली में जाऊंगा और अपने समाज को और बिहार के हक अधिकार युवा के लिए आवाज़ को बुलंद करूंगा दिल्ली में जाके। उपेंद्र कुशवाहा काराकाट से चुनाव लड़ने वाले हैं तो संजय जी प्रचार भी करेंगे क्या? निश्चित तौर पर हमारे महागठबंधन में के सहयोगी है उपेंद्र कुशवाहा जी और हमारे संजय केवट जी 2014 में काराकाट में चुनाव लड़ चुके हैं और काफ़ी बड़े संख्या पे 86,000 वोट आया और इस बार महागठबंधन के सहयोगी बने हैं तो निश्चित तौर पे VIP पार्टी के पदाधिकारी बने हैं तो उपेंद्र कुशवाहा जी के लिए मदद करेंगे। मौजूदा सरकार है नीतीश कुमार विकास की बात करते हैं, क्या कारण रहा छोड़ते? जनता दलों में वर्करों की कोई वैल्यू नहीं है, उसमें गिने चिने लोगों की चलती है। आम वर्कर सोचे कि मुख्यमंत्री जी से मिल ले अपने बात को रख दे तो वहाँ पॉसिबल नहीं है और हम निषाद समाज से आते हैं। पहले भी मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ काम कर चुका हूँ और मेरा एक मिशन था कि जय जाते राजा नहीं ते जाते ताजा नहीं, जय जाते दल नहीं ते जाते बल नहीं। जो समाज का दल जब तक नहीं होगा तब तक बल नहीं मिलेगा। इसी नीति और आस्था से आज हमारे समाज का अति पिछड़ा सर्वजनों के लिए पार्टी VIP बन चुका है। इस देश में तमाम पार्टियां रहने के बाद VIP इसलिए बना कि तमाम लोगों का तमाम पार्टियों का हम लोगों ने देखा अभी तक कुछ होने वाला नहीं है। अति पिछड़ा में हमारे समाज का 15% पॉपुलेशन है फिर भी वहाँ 2% वाला मुख्यमंत्री के गद्दी पर बैठे हुए हैं लेकिन हमारा 15% आबादी रहने के बाद भी हमें तरहीज और सम्मान नहीं मिला। इसलिए हम आज जनता दल यू छोड़कर मुकेश साहनी जी के नीति और आस्था में विश्वास रखते हुए VIP पार्टी में मैं ज्वाइन किया। बहुत कितने समर्थकों के साथ ज्वाइन किया जी? कितने समर्थकों के साथ? सैकड़ों समर्थकों के साथ जिसमें राजभर पाल
अंसारी, गोंड, मुसहर, ऐसे तमाम जातियों, चंद्रवंशी, ऐसे तमाम हर जिला से लोग आकर हमारे पार्टी में आज सदस्यता करें। हम वरीय पदाधिकारी थे, हमको अति पिछड़ा प्रकोष्ठ का महासचिव लोग बना रहा था, लेकिन हमने नहीं बना। और हम स्टार प्रचारक भी, महागठबंधन जब था तो उसमें 47 विधानसभा का मुख्यमंत्री जी हमें स्टार प्रचारक भी बनाए थे। तो हम प्रचार करने के बाद फिर हम संट हो गए थे, सम्मान नहीं मिला, इसलिए हम काफ़ी होते। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। आपसे गुजारिश है, यूट्यूब पर रेड नेटवर्क से जुड़ने के लिए इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब बटन के साथ ही घंटी बनी हुई है, उस पर जरूर क्लिक करें, ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत इसकी जानकारी मिल जाए और आप लगातार जुड़े रहें रेड नेटवर्क के साथ।